नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपका पड़ोसी परेशान कर रहा है या फिर गांव का कोई परेशान कर रहा है या फिर आपके सामने कोई समस्या है जहां पे आप जो है थाने जाते हैं तो आपकी कोई नहीं सुनता है या फिर जो है किसी तहसील वगैरह में जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो दोस्तों आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कैसे शिकायत करेंगे। दोस्तों लगभग लगभग जो है सभी स्टेट में जो है मुख्यमंत्री से शिकायत करने का सेम प्रोसेस होता है, लेकिन मैं ये जो है आज आपको उत्तर प्रदेश वालों के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने अपना प्ले स्टोर खोल रखा और यहाँ पर टाइप करना है जन सुनवाई ऐप। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा इस तरह का दोस्तों इंटरफेस खुल के आएगा। ये देखिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो जो हमें ओपन मांग रहा है, अगर आप जो है नहीं डाउनलोड होगा तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों अब आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। आपको यहाँ अपना नाम डालना है, यहाँ पे अगर आप एक मेल पर्सन है तो अपने पिताजी का नाम डालिए, फीमेल है आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे साइन अप करें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके क्लिक करना। चलिए मैं डाल के आपको साइन अप करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। जैसे मेरे नंबर पे ओटीपी आ चुकी है, मैं डाल लेता हूँ। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब इसके बाद आप अपनी भाषा चुनें, आपको अगर इंग्लिश में जो चाहिए तो इंग्लिश चुन लें, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में। तो दोस्तों मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, एक है ये कंप्लेन वाला, आपको अगर किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है तो इसमें डिमांड है तो ये, अगर आपको सजेशन किसी चीज़ का है तो ये अदर, ये तो हमें कंप्लेन करना है। तो कंप्लेन करने के लिए आपका नाम यहाँ से पहले से सिलेक्ट होके आएगा। अगर आप कोई दूसरा नाम डालना चाहते हैं तो दूसरा नाम डाल सकते हैं और जो है पिताजी का नाम भी लिख के आएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करके डाल सकते हैं किसी दूसरे का है तो। इसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, ईमेल पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। अगर आपका जो है आधार नंबर याद है, डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, ना डालना चाहते हो तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आपको चुनना होगा, आपको जो है क्या दिक्कत है। दोस्तों उस हिसाब से आप अपना जो है डिपार्टमेंट चुन लीजिए। देख लीजिए इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। देखिए दोस्तों जैसे अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको ये वाला चुनना है, गृह एवं गोपन पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके बाद कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे देखिए घरेलू हिंसा, किसी भूमि या रास्ता या नाली का कोई विवाद है, पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र प्रमाण पर ठेकेदारी, अन्य पकड़, FIR दर्ज कराना और जो है गलत FIR, इसी से संबंधित आपका जो भी दिक्कत है आप उस पर जो है क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आपको जैसे किसी के नाम पे FIR कराना है, शिकायत करनी है पुलिस से, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है FIR दर्ज करना। इसके बाद अगर आपने इसके पहले भी कई बार कंप्लेन की हुई है तो आपको यहाँ पे कंप्लेन नंबर डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपनी जो भी समस्या है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा एप्लीकेशन डिटेल से टाइप कर दें, आप जो भी समस्या है मेन दो चार लाइनों में जो है टाइप कर दें, या फिर जो है आपको टाइप करना नहीं आता आप यहाँ मैक्सिमम 3500 वर्डों में टाइप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम 3500 शब्दों में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको टाइप करना नहीं आता तो जो है यहाँ पे माइक पे क्लिक करके जो है आप बोल दीजिए, आपका यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया है, मेरा पड़ोसी जिसका नाम सुदेश पुत्र राम अवतार है बहुत परेशान करता है, सुबह शाम आप शब्दों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद जो है दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं रूरल पे क्लिक करेंगे, शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो चुन लें। तहसील आपको अपनी डाल देनी है जो तहसील हो, थाना आपको अपना सिलेक्ट करना है जो भी आपका थाना हो। इसके बाद आपको अपना ब्लॉक चुन लेना है, यहाँ पे जो है आपका जो भी गाँव, जो भी ग्राम पंचायत आपकी हो उस पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे आपका फिर से जो भी जैसे आपकी
ग्राम पंचायत में तीन चार गांव आते हैं तो उन सबके नाम आ जाएंगे। जो भी आपका मेन गांव है जहां आप रहते हैं वहां पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर आपका जो है ये दोनों एड्रेस सेम है, आवेदनकर्ता का पता भी सेम है और जिसके नाम आपने शिकायत की वो भी सेम है, तो सेम एज एबो पे क्लिक करें, यहाँ पे टिक कर दें तो यहाँ पे जो है आपका पूरा सब कुछ भर के आ जाएगा। दोस्तों अगर जो है हम यहाँ पे क्लिक कर दें नेक्स्ट पे तो हमारी शिकायत दर्ज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मुझे किसी के नाम पे शिकायत नहीं करनी है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया कि अगर आपका पड़ोसी परेशान कर रहा है, पुलिस में जाते हैं तो आपकी सुनी नहीं जाती, या फिर और कोई समस्या है तो आपको जो है किस प्रकार से घर बैठे मुख्यमंत्री से शिकायत करनी है अपने मोबाइल फोन से, वो भी 2 मिनट में। दोस्तों जब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी शिकायत दर्ज हो जाएगी और हमको एक जो है संदर्भ संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों संदर्भ संख्या से आप जो है अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है स्टेटस क्या बता रहा है, कहाँ पे हमारी शिकायत पहुंची है, तो इसी प्रकार से जो है आप चुप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।